All right. हम लोगों को रेफरेंस के बारे में पता है, वेरिएबल बाय रेफरेंस फंक्शन में जैसे वेरिएबल बाय रेफरेंस अरेज एंड रेफरेंस। ठीक है, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। लेट्स से कि मैं एक इंटीजर वी बनाता हूं, उसकी वैल्यू है लेट्स से, और मैं एक इसी तरह एक इंटीजर टी बनाता हूं, मैं वी असाइन करता हूं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं टी प्लस प्लस कर सी आउट करूं और सी आउट टी करूं, टेन और इलेवन, एवरीबडी अग्री टू दिस, राइट? एक्चुअली होता क्या है, होता यह है मेमोरी, ये मेरा वी वेरिएबल है और ये मेरा टी वेरिएबल है। ठीक है, होता यह है कि बेसिकली आपका प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम, ये आपकी बेसिकली रैम, राइट? से नीचे अगर आप देखें तो यहां पे कोई बस होता है, बस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और फिर यहां पर बहुत सारे और प्रोग्राम्स होते हैं जो चल रहे हैं। यहां पे कोई पी वन होगा, पी वन डॉट ईएक्सई चल रही होगी, यहाँ पे पी टू डॉट ईएक्सई चल रही होगी, यहाँ कोई विजुअल स्टूडियो भी चल रहा हो, आप काम कर, यहाँ पर पावर पॉइंट भी चल रहा हो, बहुत सारे और चीजें चल रही हैं। ठीक है, व्यू स्टोरी चलाया था, यही कहीं आपका प्रोग्राम भी होता है जो आप चला रहे होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लेक्चर नंबर टू के नाम से प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे लेक्चर टू डॉट ईएक्सई चल, तो लेक्चर टू डॉट ईएक्सई चल, ठीक है? और बेसिकली होता क्या है कि इस पोर्शन आपकी यहाँ पे मेमोरी बन रही है, ठीक है, आपके प्रोग्राम का मेमोरी लोकेशन। तो अगर मैं इसको जूम करूं, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जितने भी वेरिएबल आपने बनाए वी वन वी टू, बेसिकली वो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है, तो ये वी का ये टी का, और इनके बेसिकली मेमोरी एड्रेस, ठीक है? अभी आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो बेसिकली उस ब्लॉक को उसकी जगह रिप्लेस कर देता है। ये बात समझ में इंटरनली हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है? There's a beautiful course called assembly language. वो आप इस fourth semester में जाके पढ़ें, पढ़ते पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो आप बड़ी डिटेल में देखते हैं कि कैसे वो मेमोरी ट्रांसलेशन होगा, ठीक है? ठीक है भाई, रोहिम साफ सुना हमारा, ओके। हम आमतौर पर वेरिएबल को इस तरह दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ पर वो बड़े सीक्वेंशियली बन, सीक्वेंशियली बनने का मतलब ये है कि v पहले यहाँ पर v बना होगा, फिर t बना होगा, एंड सो ऑन। अगर मैंने यहाँ पे कोई और मेमोरीज बनाई होंगी तो वो भी यहीं कहीं बनी, ठीक है? ये बात समझ में, मैं मजीद डिटेल बताऊंगा। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो बेसिकली जब फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली एक और यहाँ पर लेयर बनती है, और उस फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी फंक्शन का फॉर एग्जांपल वेरिएबल वन यहाँ बनेगा, फंक्शन का वेरिएबल टू यहाँ बनेगा, और जब फंक्शन से रिटर्न करवाते हैं तो पता है
फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हो। ये बेसिकली जो ब्लॉक है ये वो वहां से निकल जाएगा। मैं आपको आज शायद दिखा, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। कहते हैं स्टैक, ये इसे कहते हैं, ये जो ये नजारा है यहाँ पे कहते हैं स्टैक। ये जो नजारा और मेमोरी यहां से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, और रिलीज होती है तो ऊपर से नीचे तरफ, पर सो गुड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल डिटेल है, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की बात, मजे की बात यह है, अगर मैं यहां पर इधर एक m परसेंट r और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूं v, कैन यू टेल मी कि क्या होगा? क्या r v के लिए कोई नई मेमोरी बनेगी? No. क्या बनेगा फिर? क्या बनेगा? मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं क्या हुआ? हाँ जी बताएं। हाँ जी, ये जो आर वी है ये कहां बनेगा पहले मुझे बस ये बता दें। यार भी क्या है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। हाँ जी, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ अब्दुल्ला, तुम्हें घर में क्या कहते हैं? अब्दुल्ला ही कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? घर में क्या कहते हैं? कोई ऐसा बंदा जिसका घर में कुछ और कहते हैं? हाँ, घर में तुम्हें क्या कहते हैं? क्या रिया कहते हैं? शहरी। तो तुम्हें अगर शहरी कहें तो इसका मतलब तुम ही होगा ना, है ना? वो कोई और बंदा तो नहीं होगा, है ना? ऐसे ही है ना, इसे कहते हैं एलियस, कि तुम्हारा एक एलियस है, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप चाहें तो एलियस बना सकते, ठीक है, और उसका तरीकाकार ये है, उस एलियस को सी प्लस की जबान में रेफरेंस कहते हैं, और बेसिकली वो उसी जगह का नाम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो आर वी है ये बेसिकली इसी जगह का एक और नाम है, ये बात समझ में आई? सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे आर वी प्लस प्लस, अब आप बता सकते हैं कि क्या आउटपुट होगा? 11 और 11 आउटपुट होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने आर वी प्लस प्लस करने को कहा तो वो भी इसी जगह का नाम है, इसी को ही प्लस प्लस कर। Everybody understand? Everybody understand? ठीक है? So far so good? तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसकी एक बड़ी एप्लीकेशन है, ये जो references होते हैं इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? बता सकते हैं आप? Can you tell me the application of references? मैंने ये कहीं तो मेन लिखा, जी, कैन एनीबडी टेल मी द एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंस? ये देखिए जी, मैं आपको एप्लीकेशन लिखा, मैंने ये केंट मेन लिखा, मैंने यहां पे दो वैल्यूज बनाए, लेट्स से ये है मेरी टी वन वैल्यू इसमें पड़ा हुआ 10, और ये है टी टू इसमें पड़ा हुआ 20। सो फार सो गुड। और मैं ना चाहता ये हूं कि एक फंक्शन हो, इसका नाम स्वैप, टी वन पास हो और इसको टी टू पास, ठीक है। आप मुझे कितने लोग जिन्होंने आईसीएस किया हुआ, रेज योर हैंड प्लीज। कितने लोग जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल में कंप्यूटर पढ़ी थी वो तो भी इसमें शामिल हो गए, रेज योर हैंड प्लीज। या मैट्रिक में अगर आपने मैथमेटिक्स ये कंप्यूटर पढ़ी थी, दोबारा हाथ खड़ा करें, मैट्रिक या एफएससी में या आपने ए लेवल और ओ लेवल अगर किया, ठीक है, बैठ जाए, आपको कुछ बात पता रहेगी जो कि शायद आपने पहले की हुई है लेकिन
जी अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने ये स्वैप फंक्शन लिखता हूं, और वो स्वैप फंक्शन क्या है, इसकी रिटर्न टाइप प्रोवाइड है, इसका नाम है स्वैप। इसको इंट एम परसेंट ए पास होता है कि नहीं, करता हूं और मैं यहां पर इंटीजर बी लिखता हूं, और यहां मैं एक काम करता हूं, इंटीजर टी इज इक्वल ए इज इक्वल बी इज इक्वल। सो फार सो गुड, दिस इज हाउ यू स्वैप, है ना। मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपके सामने वो स्टैक बना रहा हूँ, मेमोरी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी रैम तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम की जो मेमोरी एलोकेट हुई है मैं उसके बारे में बात करूँ, तो होगा क्या, सो प्लीज बी अटेंटिव। ये देखिए जी, और से देखिए, ये आपका मेन है, सबसे पहले मेन पड़ा होता है, और मेन की जो मेमोरी होती है वो तो यहाँ पे टी वन पड़ा होगा, इसमें क्या पढ़ाओगे, वैल्यू वैल्यू पढ़ी होगी, क्या पढ़ाओगे, इसमें क्या पढ़ाओगे, 20, ठीक है, बस ना। अब आपने फंक्शन कॉल किया, जब ये है मेन, ठीक है, ये जो बेसिकली इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐसे कहते हैं, ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, याद है वॉचेस, और वो जब हम डीबग कर रहे थे तो डीबग करते हुए हमें नीचे वेरिएबल्स के नाम नजर आते थे, वो बेसिकली यही थे, वो यही विंडो थी जो दिखा, ठीक है, यही जैसे ही हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन, अब इस फंक्शन का एक्टिवेशन, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं, ये एक और ब्लॉक है जिसका नाम है ए, एक और ब्लॉक है नाम है बी, इसमें क्या वैल्यू पास, ए में क्या वैल्यू पास हुई है, ए में क्या वैल्यू पास हुई 10, और बी में क्या वैल्यू पास हुई 20, और बाद में यहां पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, इसका नाम क्या है, हाँ टी, तो यहीं पर एक और वेरिएबल भी बनेगा, इसका नाम होगा टी, ठीक है। अब जब मैंने टी इज इक्वल टू ए किया तो ए टी में क्या वैल्यू आई, ठीक है, so far so good। अब जब मैंने a is equal to b किया तो उसे क्या होगा, ये बताएं, ये a is equal to b किया तो इसकी वैल्यू होगी 20, और जब मैंने b is equal to t किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10, so far so good, ठीक है, everybody is with me, okay, now अब इस फंक्शन से आप बाहर आओ, जब बाहर आएंगे तो यहां पर आएंगे, और यहां पर हमने लेट्स से सी आउट किया हुआ है क्या टी वन, और यहां पे किया हुआ है टी टू, क्या मुझे एक बात का जवाब दे, क्या टी वन की वैल्यू 20 और टी टू की वैल्यू 10 हो चुकी है, नो, व्हाई, क्योंकि ए और बी अलग अलग मेमोरीज थी, और उनके अंदर अगर आपने कुछ बदलाव किया तो उन्हीं में बदलाव होगा, ये बात सुना गई, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी चेंज कर, और वो चेंज क्या है कि मैं यहां पर रेफरेंस लगा और यहां पर भी रेफरेंस लगा, अब क्या हुआ, अब मुझे एक बात का जवाब दो कि अब मेमोरी किस तरह की बनेगी, मुझे बताएं, मैं दोबारा से मेमोरी बना रहा हूं, तो मेमोरी में पहले मेन है, मेन में यहां पे T1 है और ये यहां पे T2 है, ठीक है, और ये यहां पे T2 है, ठीक है। अब आपने जब स्वैप कॉल किया तो स्वैप में जब आपने चीजें बाय रेफरेंस भेजी होती है तो बाय रेफरेंस X एज फॉलो विद, आमतौर पे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वैल्यूज पास होती है, इसके यानी पिछली दफा जब हम कॉल कर रहे थे तो ऐसे पास,
यहाँ पर 10 पास हो रहा था और यहाँ पर 20 पास हो रहा था, ए को 10 मिल जाता था और बी को 20 मिल जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं पास, अब कैसे पास होगा? अब पास होगा ये नहीं, बल्कि क्या पास होगा, यहां पे टी वन पास होगा और यहां पे टी टू पास होगा, और ये जो ए है वो किसका रेफरेंस बन जाएगा, टी वन ब्लॉक का, और बी किसका रेफरेंस बन जाएगा, टी टू ब्लॉक का, विच मीन्स द फॉलोइंग, कि यहां पे वैल्यू रखी हुई है 10, यहां वैल्यू रखी हुई है 20, ठीक है, और ये इस जगह का एक और नाम हो गया अब, और इस जगह का एक और नाम हो गया अब क्या, और ये था मेन का ब्लॉक, और यहां पर आपने जब एक टी बनाया है तो सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा, इसका नाम क्या होगा, टी, और जब आप कहते हैं टी इज इक्वल टू ए, तो यहां पे बेसिकली क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगी, 10, क्या कहते हैं ए इज इक्वल टू टी, तो ये बेसिकली इसमें वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ जी बताएं, यस, यहां वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहां वैल्यू 20, और यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ मेकिंग रेफरेंसेस, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक, स्पीक लाउडर, जब ए की वैल्यू हमने बी की है तो क्योंकि ए बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली इसके, इसका रीनेम है ना, इसका एलियस है, और बी क्या है वो ये है, तो ए में जब हमने बी किया तो बी में, बी में क्या वैल्यू पड़ी, 20, तो बोलते आसान, ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट, आपको एक और बड़ी मजे की एप्लीकेशन बताता हूं रेफरेंसेस की, और वो ये है, आमतौर पे आप एक फंक्शन से कितनी वैल्यूज रिटर्न करवा सकते, बता दीजिए, एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते, ज्यादा नहीं रिटर्न करवा सकते, लेकिन यूजिंग रेफरेंसेस यू कैन एक्चुअली रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज विदाउट यूजिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कैसे, आमतौर पर डिवाइड फंक्शन क्या होता है मुझे ये बताएं, तो ये है void, तो look at this, मैं एक function बना रहा हूं, उसका नाम रखता हूं divide, और देखना मैं divide में क्या करूं, divide में मैं चार parameter pass करूं, एक है number, इसको मैं कह दूंगा numerator, और एक को मैं कह दूंगा denominator, और मैं दो parameter और pass करूंगा, इसका नाम होगा integer m percent क्वेश्चन, और इंटीजर एम परसेंट क्या रिमाइंडर, डिवीजन ऑपरेशन इज बेसिकली जब हम करते हैं तो जो चीजें होती है ना, एक होता है क्वेश्चन और एक होता है रिमाइंडर, बेटा आपका नाम क्या, क्या नाम है, तो ये बात, आर यू लॉस्ट, तो फिर आप ट्वेंटी बोल जाए, ठीक है, तो लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू, मैं यहां पर ये एक इंटीजर मेन लिख रहा हूं, और इंटीजर मेन में मैं यहां पर एक इंटीजर न्यूमरेटर बनाता हूं और एक डिनोमिनेटर बनाता हूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं और एक रिमाइंडर बनाता हूं, एंड नाउ लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैं सी इन करवाऊंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और मैं ये डिवाइड फंक्शन कॉल कर दूंगा, आप देखें डिवाइड फंक्शन जो है वो दो चीजें रिटर्न करवाएगा विदाउट यूजिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ओके, और वो क्या करेगा, इसको मैं एन भेज दूंगा, डी भेज दूंगा, और एक क्यू भेज दूंगा, और एक आर भेज, अच्छा आप बताएं मुझे यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड में हम बड़ा सिंपल सा काम, ये कि क्यू इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय, सॉरी एन नहीं, नम divided by denominator, और r यानी remainder is equal to num mod denominator, does that make sense, अब क्या हुआ है ये देखिए जी, जब हम ये divide function भेजेंगे, मैं call करेंगे, ये
एन और डी तो पास हो रही है बाय वैल्यू। बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि यहां पर क्या पैरामीटर पास हो रहा है। यहां से जब कॉल गई है तो कैन यू टेल मी कि कॉल कैसे गई हो, मुझे ब्रैकेट में बताएं कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने सी, मैंने ये एन और डी इनपुट करवाए, एन में था लेट्स से 52 और डिनोमिनेटर में था लेट्स से 10, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि यहां पे क्या क्या पैरामीटर पास हो, यहां पे 52 पास हुआ होगा, फिर 10 पास हुआ होगा, सेकेंड और थर्ड पैरामीटर क्या पास हुआ। यस, क्यू और आर पास, जिसका मैंने यहां पर नाम क्यू और रिमाइंडर रखा। आप इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ब्लॉक है, सही है। और जब आपने यहां पर वैल्यू साइन की तो ये बेसिकली उस मेन वाले वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखवा रहा है, ये बात समझ। और यहां पर अगर मैं जाकर सी आउट अगर करवाऊंगा क्या क्यू, और यहां पर सी आउट करवाऊंगा आर, तो ये क्या आउटपुट करेगा, ये क्या आउटपुट करेगा, क्यू में क्या आउटपुट करेगा और आर में क्या आउटपुट करेगा। इफ द नंबर्स आर इक्विवेलेंट है, क्वोशेंट में 5 आएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर में 2 आएगा। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंसेस इज कि हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न करवानी हो तो वो हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद एक फंक्शन लिखूंगा कि मैं एक अरे पास करूंगा एक फंक्शन में और उससे रिक्वायर करूंगा कि वो मुझे मिनिमम भी रिटर्न करे और मैक्सिमम भी रिटर्न करे। ये समझ में आई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इसी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे कि एक फंक्शन लिखे जो अरे यूजर से इनपुट करवाए और क्या रिटर्न करे, वो नंबर बताए जो सबसे ज्यादा दफा आकर कर रहा है। So the most frequent element, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, statistics की ज़बान में मॉड कहते हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ ये कि वो वैल्यू रिटर्न करवाए कि क्या है मॉड, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी बताया। तो अब इसको कितनी वैल्यू रिटर्न करवानी है, ठीक, कितनी वैल्यू रिटर्न करवानी है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो बताएं जी, अगर एक फंक्शन बनाना है जिससे मॉड भी रिटर्न करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी रिटर्न करनी है, तो कितनी तो कितने पैरामीटर हमें भेजने पड़े उस फंक्शन में। एक तो अरे भेजनी पड़ेगी, ठीक है, और ऑफ कोर्स दो वेरिएबल बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे जिसमें वो वैल्यू रखवा कर भेज पाए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ये हम करते हैं अभी थोड़ी देर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो, कोई नई बात पता लगी आज अभी रेफरेंसेस के बारे में। आप लोगों ने रेफरेंसेस पहले पढ़े थे, राइट, आप लोगों को ये एप्लीकेशन बताई गई है, इसकी एप्लीकेशन फंक्शंस के अंदर इस तरह से आप कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस अरेज, ठीक है, हम सब हमारे पास समय तक टाइम, ठीक है, 115 पे आवेल बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ये हमारा आज का टारगेट है। और वो क्या है कि हम ना यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं एक लेट्स से 100 वैल्यूज मैंने इनपुट करवानी, ओके, और मैं ये चाहता हूं कि उनको सॉल्व करना है, यानी मैं बता दूं कि कौन सा एलिमेंट मैक्स है, फिर सेकंड मैक्स है, थर्ड मैक्स है, इस तरह मैंने सारी वैल्यू निकाला, तो ये मैं कैसे निकालूं, दैट्स द क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहूं कि आपने अरेज यूज नहीं करनी तो आप कैसे करेंगे, बताएं। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा आपको, मटर कहां से आएगा, आपको कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना, और फिर आपको उन सब में से कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर आप मैक्स निकालेंगे, तो मैक्स कंडीशन क्या होगी, अगर पहला नंबर सबसे बड़ा है तो वो क्या करोगे तुम, तो अगर ए वन है तो मैं कहता हूँ ए वन इज ग्रेटर देन ए टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए टू ए थ्री ए फोर, तो ये कितनी कंडीशन लगेगी, 99 कंडीशन लगेगी,
है ना। और सिमिलरली अगर ए वन बड़ा नहीं है तो फिर तुम्हें ए टू के लिए चेक लगाने पड़े। ये सिर्फ अभी मैक्स निकल रहा है, तो तुम्हें 99 चेक्स लगाने पड़ेंगे हर वेरिएबल पे सिर्फ मैक्स निकालने। कितना गंदा काम है, ये समझ में आई बात? नहीं समझ आई? आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे ना कि लेट्स से यहां पर आप लिखेंगे कि जी मैंने एक वेरिएबल्स बनाए ए वन ए टू से लेकर कहां तक, ए 100 तक। फिर आप इन सबको सी इन करवाएंगे, ए वन ए टू से लेकर कहां तक, ए 100 तक। फिर आप क्या करेंगे? हाँ भाई, मैक्सिमम आपने निकालना है। कैसे करोगे? आप देंगे जी इफ ए वन इज ग्रेटर देन ए टू एंड ए वन इज ग्रेटर देन ए थ्री एंड ये चलते चलते आखिर में लिखेंगे जी एंड ए वन इज ग्रेटर देन ए 100। अगर ऐसा है तो उस केस में हम कह देंगे जी सबसे पहले तो जी सी आउट करवाओ क्या ए वन, ठीक है ना। लेकिन उसका ए वन सबसे बड़ा ना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा? हाँ जी बताएं, ए टू के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर इफ लगाया गया, इफ देन एल्स लगाएंगे। हाँ एल्स इफ लगाएंगे। इफ लगाने का मतलब क्या होता है, एल्स इफ लगाने का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां पर इफ लगा दूं और इफ में भी यही लिखता हूं ए टू इज ग्रेटर देन ए वन एंड सिमिलरली करते 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 ए टू इज ग्रेटर देन ए 100, ठीक जी बताएं मुझे। इधर भी मैं एल्स, अगर मैं इफ लगा दूं तो उसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसके अंदर वो आए या ना आए, लेकिन वो यहां पर इस इफ को चेक जरूर करेगा। दैट इज व्हाट इट मींस, ये बात समझ में। लेकिन अगर मैं यहां पर एल्स लगा दूं इसका मतलब क्या होता है जी बताएं, इसका मतलब क्या होता है? अगर एक बार ट्रू हो गया, अगर वो इस ब्लॉक के अंदर आ गया तो फिर वो नीचे वाले इफ चेक नहीं करता। दैट इज व्हाट इट मींस बाय इफ एंड इफ देन एल्स, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इफ जो इफ वाला होता है सारे के सारे आपको इफ देन एल्स से करने चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स आप इफ देन एल्स से नहीं कर सकते, ठीक है। पर क्या ना, ये मेरे ख्याल में मैं चाह रहा हूँ क्या है, एक बार मैं चाहता हूँ क्या है। हाँ क्या जी, सो फार सो गुड। लेकिन दिस, डू यू ऑल अग्री कि दिस इज अ वेरी अगली वे? व्हाई इट इज अ वेरी अगली वे जी? व्हाई इट इज वेरी अगली वे? हेलो हेलो, हाँ मसला है। हेलो हाँ जी बताएं जी, व्हाई इट इज ए ला के उसे कोई सही करे। अच्छा सारा सुनने की आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा जी, व्हाई इट इज ए वेरी अगली वे, कैन एनीबडी टेल मी दैट? अगर मैं इस तरह की से करता हूं, अभी मैं सिर्फ मैक्स निकाल, और मैक्स निकालने के लिए मुझे कितनी कंडीशन लगानी पड़ गई है? 99 मल्टीप्लाइड बाय माय 100। व्हाई 100? और अभी तक सिर्फ एक मैक्स डिस्प्ले हुआ है, सेकंड मैक्स तो डिस्प्ले भी नहीं हुआ। सेकंड मैक्स के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सा मैक्स था, उससे कंपेयर नहीं करना, और बाकियों से उसे सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। दिस विल बिकम समथिंग अनकंट्रोलेबल। ये बात समझ आई? एंड नाउ यू विल अप्रिशिएट कि व्हाई वी नीड अरे, ठीक है। The idea behind array is the following. हम क्या करते हैं, अरे इज नथिंग बट ए एलोकेशन ऑफ ए कंटिगुअस मेमोरी। ओके, हाउ यू डू इट? क्या आप कहते हैं कि यहां पर आप टाइप बताते हैं,
यहां पर आप उसका नाम लिखते हैं, यहां पर आप उसका साइज बताते हैं, ठीक है? नहीं चलो, हेलो 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 हेलो, बस मैं 15 मिनट खत्म कर रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। All right, so look at this. अच्छा, इस तरह करने से क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इंक टाइप की करे बना दी और इसका मैंने नाम रखना है लेट्स से ए, और मैं यहां पर लिख देता हूं 10, ठीक है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि याद है मैंने आपको बताया था कि ये हमारी रैम होती है, ठीक है? रैम में बेसिकली क्या होगा, यहां पर आपको एक कंटिगुअस ब्लॉक मिल जाएगा और उसमें ये सारे ब्लॉक्स होंगे। कितने ब्लॉक्स होंगे? ये 10 ब्लॉक्स होंगे, और मैं इसको ना यहां पर बड़ा करके लिखता हूं। अच्छा, ये देखें, ये जो पहला ब्लॉक है ना, इसका भी अपना एड्रेस होता है, और ना ये हेक्साडेसिमल में दिखा, हेक्साडेसिमल का पता है लोगों, ठीक है? तो मैं लेट्स से कोई भी एक एड्रेस देता हूं 0x100, ये इसका एड्रेस है। और होता क्या है कि इसी जगह का नाम होता है ए, तो फॉर एग्जांपल इसी जगह का नाम होगा। अच्छा, जो अगला ब्लॉक है वो कहां से शुरू होगा? जी, जब मैं कहता हूं हाउस नंबर, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि आपके ना ये क्या है, ये ब्लॉक बन गए, एक घर है और हर घर जो है वो 5-5 मरले का है, ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि मेरी एड्रेसिंग जो होती है, तो मैं अगर मैं कहता हूं मैंने घर नंबर 2 पे जाना है, तो वो मरला नंबर कौन सा बनता है? अगर 5-5 मरले के घर है, पहला मरला जो है वो लेट्स से 1 से शुरू होता है, अगला कहां से शुरू होगा? 11 क्यों? वो 6 होगा, राइट? फिर 11 होगा, इससे चलता है। यहां पर क्या है, यहां पर स्टार्टिंग लोकेशन आपको दे दी गई है 0x1, और हर ब्लॉक कितने साइज का है, दैट इज डिफाइंड बाय द टाइप। अब टाइप है इंट, इंट का मतलब है कितने कितने बाइट होंगे, 4 बाइट होंगे। तो कैन यू टेल मी अगला ब्लॉक कहां से शुरू होगा? 0x104, अगला कौन सा होगा? 0x108, कैन यू टेल मी कि अगला कौन सा होगा? 12 नहीं होता, उसे कहते हैं 0x10C, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। डज इट मेक सेंस? अच्छा, इस चीज को इंडेक्स नंबर 0 कहते हैं, इस चीज को हम इंडेक्स नंबर 1 कहते हैं, इस चीज को हम इंडेक्स नंबर 2 कहते हैं, और इस चीज को हम इंडेक्स नंबर 3 कहते हैं। ये बात समझ आई? अच्छा, नाउ यू विल लर्न समथिंग रियली ब्यूटीफुल, ओके? और वो ये है कि अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवाना चाहूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि लेट्स से ए 0 इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूं 5, तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, हां, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी लोकेशन, और इसको क्या वैल्यू असाइन हो जाए, इसको असाइन हो जाए वैल्यू 5। ये बात समझ में? द नाइस थिंग अबाउट दिस आइडिया इज दैट आई कैन एक्सेस दिस कंटिगुअस मेमोरी बाय जस्ट ए नेम एंड एन इंडेक्स, ठीक है? मैं इस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम लेट्स से अगर मैंने यूजर से इनपुट करवाना है इसको, तो मैं इस तरह इनपुट करवाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहां मैं जाके लिखता हूं ए आई इज इक्वल टू लेट्स से 0। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सॉरी, पूरी की पूरी अरे में 0 सेव होता है, ठीक है? इसी चीज का एक शॉर्टकट होता है C++ में, और वो कहते हैं
क्या इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट. खाली ब्रैकेट का मतलब है कि ऑल वैल्यूज विल बी इनिशियलाइज्ड विद जीरो. दैट इज व्हाट इट मींस. ये सब समझ में आ गई बात. अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं, क्या अगर मैं लिखूं लेट से इंटीजर अरे, यहां पे लिखूं 10 और यहां लिखूं 1, इसका मतलब पता क्या होगा? क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब होगा पहली वैल्यू 1 इनिशियलाइज करो और बाकी तमाम वैल्यूज 0 से इनिशियलाइज. दैट इज व्हाट इट मींस. ओके, सिमिलरली सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये पहली वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी और बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो क्या इनिशियलाइज हो जाएंगी, वो 0 0 0. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अगर मैं इसी तरह एक बी अरे बनाता हूं और बी यहां पे 10 लिखता हूं, सॉरी यहां ब्रैकेट आइए, और यहां लिखता हूं 1 2 3 और यहां ब्रैकेट बंद कर देता हूं, कैन यू टेल मी कि क्या होगा? पहली तीन वैल्यूज जो है वो क्या इनिशियलाइज होगी, 1 2 3 और बाकी तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0. Everybody understand? अच्छा, this will be an error. Tell me why. Why this is an error? जी बताएं. Because I have declared an array of 5 size and I have initialized how many values? I have initialized 6 values. So this will be an error. ठीक है? ये एरर नहीं होगा, जी दिस इज फाइन. इसका मतलब बेसिकली क्या है, जितनी वैल्यूज आपने राइट साइड पे इनिशियलाइज की हैं उतने साइज की ये अरे बना देगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो अगर आप फॉर एग्जांपल यहां जाके सी आउट करें साइज ऑफ और यहां जाके लिखे ए, तो कैन यू टेल मी कितने कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ये बताता है बाइट्स में आंसर. एक इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो अरे जो है वो 10 साइज के लोकेट होंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा. ठीक है, कैन यू टेल मी के ये क्या आएगा, साइज ऑफ और मैं यहां करता हूं सी. आप बताएं साइज ऑफ सी कितना आएगा, बता दें भाई, स्पीक लाउडर प्लीज. 7 20 आएगा ना, 5 वैल्यूज हैं. और अगर मैं कर दूं ये साइज ऑफ और यहां पे कर दूं डी, हाँ जी अब क्या आएगा, 24 आएगा. ठीक है, सो फार सो गुड, सही है. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, there are few good programming practices. और वो practices क्या हैं कि कभी भी आप अरे को hard coded allocate मत करें. कैसे allocate करें, कि यहां पर आप एक कॉन्स बनाएं जिसका नाम रखें साइज और यहां पर उसकी वैल्यू साइन करें लेट्स से 5 और यहां पर एक अरे बनाएं, यहां पे लिखें साइज और फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइज करना है तो आप एक फंक्शन बनाए इसका नाम रखें इनिट और इसमें अरे भेज दें और यहां पे उसका साइज भेज. ठीक है, सो व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, अच्छा अगर आप किसी फंक्शन में अरे को भेजें तो यहां पर रिसीविंग एंड पे आप कभी भी साइज मत बताएं, यहां पर आप उसको ब्लैंक छोड़. ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है कि जो भी अरे जितनी मर्जी अरे इनिट फंक्शन के हमने बनाया है ये हमारा ए जो कि 5 साइज की बनी हुई है उसके लिए भी चलेगा, ये हमारा अगर मैं बी बनाता हूं जो 20 साइज के लिए उसके लिए भी चलेगा. बट ये तब चल सकता है अगर आप साथ में इसका साइज खुद पास करें. ठीक है, और ये हम पैरामीटर में भेज देते हैं,
यहाँ पे हम void आ जाएगा, और यहाँ पर तो फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर लूप लगाता हूं, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, क्या आ जाएगा साइज, यहां आ जाता है आई प्लस प्लस, और यहां मैं लेट्स से सी इंटर करवा लेता हूं ए आई, ठीक है। तो मैंने यूजर से इनपुट करवा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसको अरे पास, और वो उसमें से मैक्सिमम लिखा, अगर हम सहायता मिले तो नहीं। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल किया निम्रा ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, और आई सपोज कि आप लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। अच्छा एक मिनट, सवाल ये है जो निम्रा ने किया है कि क्या मैं यहां पर साइज ऑफ के थ्रू इस अरे का साइज नहीं निकाल सकता, एंड द आंसर इज नो, व्हाई, उसका आंसर इस लाइन में छुपा हुआ है। जब आप करते हैं ना सी आउट ए, कभी आपने सी आउट ए किया, सिर्फ अरे का नाम लिखा है कभी आपने सी आउट करने, ये बेसिकली करेगा क्या कि ये कोई एड्रेस ऑफ कर रहा है, ठीक है। जब भी आप अरे के नाम को डिस्प्ले करेंगे तो वो हमेशा एक एड्रेस आउटपुट करेगा, क्यों, क्योंकि अरे जो होती है उसका जो नाम होता है वो बेसिकली एक लोकेशन का एड्रेस होता है, बेसिकली पॉइंटर होता है, ओके okay? और जब आप एक फंक्शन में एक अरे भेज रहे हैं तो आपको लगता ऐसे है कि आपने पूरी अरे भेज, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ, क्यों, क्योंकि जो आपने एक्चुअली भेजा है वो अरे नहीं है, वो क्या है, वो उस अरे की स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस है। तो बेसिकली What you have transferred is कि यहां से बेसिकली जब ट्रांसफर हुई है तो ये ट्रांसफर हुई है, साइज में 5 गया है और यहां पर बेसिकली 0x100 पास हुआ, और इसका नाम आप ए की जगह पर बी रखना चाहें बी रख दें, ये बात समझ में, ठीक है। और निद्रा ने जो बात की जानबूझ से की है, और यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर बी की करे बनाता हूं जो 2 मल्टीप्लाई बाय साइज साइज की, ये बात समझ में, आप अगर साइज ऑफ 4 यहां पर आके आप साइज ऑफ करेंगे बी का, तो पहली दफा भी 4 आएगा दूसरी दफा भी 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो आपका एड्रेस होगा वो 4 बाइट का, तो रिगार्डलेस आप फ्लोट की अरे भेजें जितनी मर्जी अरे भेजें, अगर आप फंक्शन के अंदर आ गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक एड्रेस की तरह ट्रीट होगा। अगर मेन में करेंगे तो वो साइज ऑफ डिफरेंट देता है, लेकिन अगर आप फंक्शन के अंदर चले जाएं तो अब वो वहां पर एज एड्रेस ट्रीट होगा फंक्शन के अंदर। इसीलिए आपको अगर आप डीबग करेंगे ना तो डीबग करते हुए जब आप फंक्शन के अंदर जाते हैं 11 प्रेस करके तो आपको अरे पूरी नजर आना बंद, आपको अरे की सिर्फ पहली लोकेशन का एड्रेस की वैल्यू नजर आती है, उसके आगे कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आपने देखना है तो वॉचेस में जाके आप खुद इंसर्ट कर सकते, ये आपको समझ में आई बात, नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमें कल इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, और वो ये कि मैंने एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये सीन मैंने करवा लिया और मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन लिख के जो कि मैक्स रिटर्न करे, और यहां पर एक इंटीजर अरे भेजे और यहां पर एक साइज भेजे, तो हम क्या करेंगे, सो मैक्स करने का तरीका क्या होता है कि आप एक इंटीजर m बनाते हैं और इसको a 0 असाइन करते हैं। 0 का मतलब क्या है, मैंने पहली लोकेशन को कह दिया कि मेरी वही मैक्सिमम वैल्यू, और अब मैं क्या करूंगा, वो लोग जो पीछे बैठे हैं उनको तो नजर रहा है तो वो थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। और मैं यहां पे क्या करता हूं, सो शुड आई मेक इट, मैं यहां पे फंक्शन बना रहा हूं मैक्स, मैक्स इसको अरे भेजी है आपने और यहाँ पे आपने साइज, ठीक है, और आप क्या करेंगे, अच्छा अगर आप, मैं इसको यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूं और यहाँ पे भी मैं इंटीजर लिख देता हूं, ठीक है, और ये है मेरा वो इंट रिटर्निंग फंक्शन, और हम क्या करते हैं, मैं एक इंटीजर मैक्स वैल्यू का वेरिएबल बनाता हूं, इसको मैं 0th इंडेक्स असाइन, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू वन से शुरू कर, जीरो से क्यों शुरू किया, क्योंकि पहली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको मैंने कह दिया है कि वही मेरी मैक्सिमम है, और अब मैं क्या करूंगा, I is less than size, और यहां करेंगे हम आई प्लस प्लस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट कि आपने अरे पांच साइज बदल दिया, जो उसकी इंडेक्सिंग है वो क्योंकि जीरो से शुरू हो रही है तो वो फोर तक जाती है, साइज माइनस वन तक जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे आई इज लेस देन साइज नजर आ रहा है, I is less than equal to size नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ ए क्या जी बताए, इफ ए आई इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन m वैल्यू, तो क्या करें, m वैल्यू को बराबर कर दे किसके, ए आई, ठीक है। और आखिर में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या m वैल्यू, ये हम लूप के बाहर करेंगे, लूप के अंदर नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि यह मैक्स निकालो, अगर मैंने मिनिमम निकालना हो तो क्या करें, हाँ क्या करें कि ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने लगता है, क्या चेंज करनी चाहिए हमें, जी बोले बताओ, यहां पर जहां ग्रेटर देन लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख दें, वहां पे हम लेस देन, डज इट मेक सेंस। अच्छा मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं कि मैंने फंक्शन बनाना है जो मिन मैक्स दोनों रिटर्न, तो इसका मैं नाम रख रहा हूं मिन और मैक्स दोनों, तो मैं यहां पे एक एम एन वैल्यू कह देता हूं और इसी तरह मैं कॉमा करके एम एक्स वैल्यू भी कह देता हूं, दोनों का मैंने सेम वैल्यू असाइन, ठीक है। और मैं यहां क्या करूंगा, मैं कहता हूं अगर ए आई की वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो मैक्स को अपडेट करते, और सिमिलरली यहां पे एल्स इफ लगेगा या इफ लगेगा, हाँ इफ लगेगा क्योंकि दोनों से कंपेरिजन कर लेंगे, तो यहां पे हम क्या, बल्कि नहीं यहां पर शायद एल्स लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैक्स अपडेट हो गया तो मिन से तो कंपेरिजन नहीं होता, तो यहां पे एल्स इफ, एल्स इफ, और यहां पे लिखेंगे हम कि अगर ए आई की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे, एम एम एन वी से, तो क्या करें, एम एन वी को भी क्या करते, अपडेट कर दे, और यहां पर आ जाएगा ए आई। लेकिन मसला यह है कि मैं तो एक वैल्यू रिटर्न करवा सकता, मैं दो वैल्यू से रिटर्न नहीं करवा सकता, तो मुझे क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी इसके अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट को यहां से रिमूव कर दो और यहां पर इसको बेशक वॉइड कर दो, और क्या करेंगे हम यहां पर दो वेरिएबल बाय रेफरेंस भिजवा देंगे, इसका नाम रख देंगे क्या, बेशक ये यहां से रिमूव कर दो, यहां से एक को हम कर देंगे एम एक्स वी और एक को हम कह देंगे इंटीजर एम परसेंट एम एन, ठीक है, ये दोनों हम बाय रेफरेंस भिजवाएंगे, और जब हम मेन से कॉल करेंगे तो हमने बेसिकली यहां पर एक अरे बनाई होगी, और ये साइज की लेट से 10 साइज की एलोकेट की है, साइज की वैल्यू हम 10 कर देंगे और इनिट कर देंगे, ये हमने यूजर से इनपुट करवा ली, बेशक फाइल से इनपुट करवा लें, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर दो वेरिएबल और बना लेते हैं, कॉमा जी, इसको कहते हैं मैक्स और इसको कहते हैं मिन, और यहां पर हम मिन मैक्स फंक्शन कॉल कर देंगे, इसको हम अरे भेज देंगे, साइज भेज देंगे और मैक्स भेज देंगे, और यहां पे मिन भेज देंगे, और यहां पे हम सी आउट करवा देंगे क्या, कि मैक्स इज दिस और मिन इज दिस, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो हमने बेसिकली अरे की बिगिनिंग कर, ठीक है, जो सवाल हमने करना था वो हमने नहीं किया, और वो क्या था कि हमने सॉर्टिंग करनी थी, और सॉर्टिंग के ऊपर बेस करके हम बड़े मजेदार मजेदार काम करने का, ठीक है। तो आप लोगों को ना ये असाइनमेंट मिली हुई है, और आप लोगों ने प्लीज ये कुछ फंक्शंस बनाने, तो ये बेसिकली आपने पहला काम ये करना कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये करने, इसकी स्टेटमेंट सारा आपको ग्रुप पर पोस्ट कर देंगे मैक्स मिन वाली, और यूजर से इनपुट करवाने का फंक्शन आपने लिखना है, और उसके अलावा आपने ये जो पहला है कि आपने 10 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, हर नंबर के बारे में बताना है, तो आपने हर नंबर के बारे में बताना है कि वो प्राइम है या नहीं, पहले सवाल को कोई हमेशा तरह से बोल्ड कर दो कि वो प्राइम नंबर से इनिशियलाइज करने के बजाय बल्कि क्या करें कि
एक अरे से में इनपुट के बाद बताया कि कौन कौन से नंबर उसमें से पाए, ठीक है, कौन कौन से नंबर फिर उसमें से बनना चाहिए। फिर एक अरे बताया, बताया कि पहली दफा और हम ना अरे पास करेंगे, साइज पास करेंगे और एक वैल्यू टी पास करेंगे, और आपने बताना है टी वैल्यू इस अरे में पहली दफा कहां, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन बनाना है आपने डिफरेंट तरीके, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप पहले सात सवालों को अटैक करें और पहले सात सवालों को अटैक करें, बाउंड्री सर्च का आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक अरे है जो सॉर्टेड है, क्या है, और आपको कहूं कि उसमें से एक वैल्यू सर्च करनी है, तो वो आप कैसे सर्च करेंगे। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है फिर तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप स्कैन थ्रू करते जाएंगे और आखिर तक जाएंगे, देखेंगे कोई मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर वो अरे सॉर्टेड है तो आप बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, क्या भला, क्या आप मिडल में जाए, मिडल इंडेक्स पर जाए और देखें जो वैल्यू मैंने सर्च करनी है क्या वो वैल्यू वहां पड़ी हुई है। अगर वहां पड़ी हुई है तो मतलब क्या है, मिल गई, वो ये इंडेक्स से टर्न करवा दे। लेकिन अगर वहां पर नहीं पड़ी हुई तो मैं वहां पर देखता हूं कि वो वैल्यू जो वहां पड़ी हुई है, हेलो हेलो हेलो, ये देखें वहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू जो सर्च करनी थी वैल्यू से उससे बड़ी है या छोटी है। ये समझ में आई बात है, नहीं समझ में आई। सो लुक एट दिस, अरे है सॉर्टेड, अगर अरे सॉर्टेड है और मैं मिडल इंडेक्स पे जाता हूं और यहां पे पड़ा हुआ है 50 और जो वैल्यू मैंने सर्च करनी थी वो है 100, मुझे बताएं क्या वो वैल्यू इस पोर्शन में हो सकती है, नहीं हो सकती। सो व्हाट आई कैन डू इज कि अब मुझे इस पोर्शन में सर्च, तो फिर मैं करूंगा मैं इसके मिडल में चला और यही प्रोसेस रिपीट करता जाऊंगा जब तक मेरी विंडो स्पेस जो है वो जीरो नहीं हो जाती। या तो वो वैल्यू मिल जाएगी तो मैं वो इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, वरना मैं तो ये हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।